नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि बोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किल अब बढ़ती हुई नजर आ रही। बीते शुक्रवार ईडी ने लगभग 8 घंटों तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके भाई, पिता और बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी ने कई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और हर बार वो अपने बयान के चलते शक के घेरे में घिरते हुए नजर आए। बीते दिनों एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते हैं और उन्हें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स ने सिद्धार्थ पिठानी का सारा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। हाल ही में रिया चक्रवर्ती की बीते एक साल की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं, जिसके मुताबिक रिया ने सुशांत से साल भर में सिर्फ 137 बार ही बात की थी। वहीं एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी से फोन पर 101 बार बात की। अगर रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम अकाउंट को ध्यान से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि उनके कई वीडियोस को सिद्धार्थ पिठानी ही शूट कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी कई तस्वीरों और वीडियो पर सिद्धार्थ पिठानी को टैग किया है। देखा जाए तो सिद्धार्थ पिठानी ने अब तक कई अहम जानकारियों को सामने नहीं आने दिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की डायरी से फटे हुए पन्नों को लेकर भी सिद्धार्थ पिठानी ने अजीब बातें कही। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुशांत से ज्यादा सिद्धार्थ पिठानी रिया के ज्यादा क्लोज हैं। कुछ दिनों पहले भी ऐसी खबरें आई थी जिसमें कहा गया था कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि सुशांत का परिवार उन पर रिया पर बोलने के लिए दबाव बना रहा है। खैर, जो सिद्धार्थ पहले ये कह रहे थे कि वो रिया को नहीं जानते, अब उनकी और रिया की कॉल डिटेल्स ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। बता दें कि सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। ऐसे में अब हर किसी को लग रहा है कि जल्द ही सुशांत मामले का सारा सच सबके सामने आ जाएगा।